अगर आप अपनी हार्ड एंड मनी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो क्या जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं वो आपके देश में ही जा रहा है या हमारे देश से बाहर जा रहा है? अगर वो पैसा हमारे देश में ही जा रहा है तो डेफिनेटली हमारे लिए ही प्रॉफिट है, क्योंकि वो पैसा हमारे देश में आ रहा है, वही पैसा दोबारा हमारे देश की तरक्की के लिए लग जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हम आज देखने वाले हैं पर्टिकुलरली स्मार्टफोन के एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं वो क्या ट्रू मेड इन इंडिया है कि नहीं है। और एक कंडीशन ये भी है कि बहुत से एप्लीकेशन इंडिया में बने तो हैं, इंडियन डेवलपर्स के थ्रू ही बनाए गए, लेकिन जिस कंपनी की वो एप्लीकेशन है, हो सकता है वो कंपनी यूएसए की हो या उस कंपनी में चाइना का इन्वेस्टमेंट हो, सॉर्ट ऑफ कुछ पैसा चाइना में जाएगा और कुछ हो सकता है यूएसए या किसी और कंट्री में जाता है। जो भी एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ट्रूली मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, यानी कि कंप्लीट पैसा आपके देश में रहेगा। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द फर्स्ट मैं आपको जो हाईली रिक्वेस्टेड है, जो लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, टिकटॉक के अल्टरनेट में कौन सा आप वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं जो ट्रू मेड इन इंडिया हो। भले ही आप उससे वीडियोस ना बनाते हो, लेकिन आपको ऐसे फनी और एंटरटेनिंग वीडियो देखने अच्छे लगते हैं, तो मैं कुछ टॉप एप्लीकेशन बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से कुछ एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक मिट्रॉन एक एप्लीकेशन है जो ट्रू मेड इन इंडिया है, एंड यहाँ पे भी आप सिमिलर लाइक टिकटॉक आप कर सकते हैं। टाइम टू टाइम की एप्लीकेशन जितने भी मैं दिखा रहा हूँ सभी इम्प्रूव हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट है जो अभी नया एप्लीकेशन आया है और वो हाईली पॉपुलर है और उसका नाम है चिंगारी। एक्चुअली मुझे चिंगारी एप्लीकेशन सही लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली इसमें काफी ज्यादा यहाँ पे डाउनलोड्स एंड अपडेट्स आए हैं। एंड इसके अलावा एक और एप्लीकेशन काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है रोपोसो। ये भी एप्लीकेशन एक्चुअली मुझे काफी पसंद है, रोपोसो इंडियाज ओन वीडियो एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन आप ट्राई कर सकते हैं, उसका नाम है शेयर चैट। यहाँ पे वीडियोस तो आपको मिलते ही हैं जो आप लाइक टिकटॉक आप देखते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी देख सकते हैं, स्पेशली न्यूज और जिसको आप फॉलो करते हैं वो भी आएंगे। कुछ अदर कोरोना वायरस अपडेट है लाइक जो आप देख सकते हैं, न्यूज है, सॉन्ग्स है, तो ये थोड़ा सा इनहेंस्ड वर्जन टाइप का है, जस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ये तो थे कुछ टिकटॉक अल्टरनेटिव और सोशल एप्लीकेशंस। इसके अलावा अगर आप चैटिंग एप्लीकेशन खोज रहे हो कि कौन सा एप्लीकेशन चैटिंग का यूज करें जो जस्ट लाइक व्हाट्सएप हो, तो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ और काफी साल से यूज कर रहा हूँ, वो है हाइब। और ये मैं 2015 से यूज कर रहा हूँ, उसके अराउंड ही लॉन्च हुआ था और रियली काफी अच्छा एप्लीकेशन है और काफी इसमें फीचर्स मिलते हैं। कोई भी आपको लिमिटेशन नहीं, अगर आप कोई फाइल सेंड कर रहे हैं यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप काफी लंबी फाइल्स चैट आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्राइवेट चैट्स फीचर मिलते हैं जो आप हाइड कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक स्ट्रीम करना चाहते हैं तो कुछ पॉपुलर नेम्स आपने सुने होंगे लाइक यूट्यूब म्यूजिक है और उसके अलावा स्पॉटिफाई भी है, लेकिन वो सभी यूएस बेस्ड कंपनियां हैं। एंड अगर आप इंडियन बेस्ड कंपनी चाहते हैं तो तीन एप्लीकेशन काफी पॉपुलर हैं, उसमें से गाना, विंक म्यूजिक और सावन और जियो सावन तीनों एप्लीकेशन है। ये सभी आपके फ्री एप्लीकेशन है, आप अनलिमिटेड म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रो पे जाएंगे तो आपको कुछ एडवांस फीचर मिलेंगे लाइक बेटर साउंड क्वालिटी और आप म्यूजिक डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये तीनों एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं फॉर साउंड स्ट्रीमिंग। नाउ गाइस, नेक्स्ट अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन खोज रहे हैं स्पेशली जो बिजनेस पर्पस हो, यानी कि आप एक ग्रुप में वीडियो कॉल करना चाहते हो, वीडियो चैट करना चाहते हो, तो बहुत से अच्छे एप्लीकेशन आप ऑलरेडी जानते हैं लाइक जूम है और गूगल का नया जो मीट आया वो भी है, लेकिन अगर आप ट्रू इंडियन चाहते हैं तो जियो मीट आप यूज कर सकते हैं। क्वाइट रिसेंटली लॉन्च हुआ और इसका इंटरफेस एग्जैक्टली सिमिलर है जूम एप्लीकेशन के, बट अगेन जियो कंपनी की तरफ से है तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा और विदाउट एनी एड से कोई इश्यूज नहीं है और ये परफेक्टली वर्क करता है, क्वालिटी रियली एक्सेलेंट है। नाउ आगे चलते हैं, अगेन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड देखें, अगर आप वीडियोज देखना चाहते हैं जस्ट लाइक जो भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, तो एक एप्लीकेशन था जो ट्रू मेड इन इंडिया था, रियली पॉपुलर था, हॉट स्टार, लेकिन अब यहाँ पे फॉरेन कंपनी यानी कि डिज्नी का पैसा लग चुका है, तो अब ये ट्रूली मेड इन इंडिया नहीं है। भले ही एप्लीकेशन इंडिया में बना है लेकिन इसमें वॉलमार्ट का सपोर्ट है, तो काफी पैसा आप अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो इंडिया से बाहर जाएगा। तो उसका अल्टरनेटिव है आप यहाँ पे जियो का ही एप्लीकेशन है, जियो का सिनेमा आप ले सकते हैं, जियो सिनेमा आता है वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी मूवीज मिलती हैं, सब कुछ मिलते हैं। मैंने एक्चुअली एंड्रॉइड टीवी इंस्टॉल कर रखा है, फोन पे तो नहीं यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है। कार्डलेस ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करें वो भी आप जान लीजिए। वैसे तो बहुत से एप्लीकेशन आप खुद ही यूज करते होंगे लाइक गूगल पे हो गया, जो अभी तक टॉप है इस करेंट टाइम पे। तो दो एप्लीकेशन आप यूज करिए जो ट्रू मेड इन इंडिया है।
उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन जो है ऑब्वियसली भीम एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है खुद का, अब वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो फ़ोन पे है ये भी कम्प्लीटली 100% मेड इन इंडिया है। अब आप सोच रहे होंगे पेटीएम के बारे में क्या हुआ, पेटीएम इंडियन कंपनी है, ये एप्लीकेशन इंडियन मेड कंपनी, लेकिन पेटीएम कंपनी जो इन्वेस्टमेंट है अच्छा खासा अमाउंट जो शेयर है वो चाइनीज़ कंपनी का है, तो इसीलिए पेटीएम आप अवॉइड की यूज़ करना, फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं और भीम इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं जो UPI ट्रांजेक्शन सपोर्ट करता है। न्यूज़ कैटेगरी में चलते हैं, अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो ट्रू इंडियन एप्लीकेशन देखना, तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। लाइक इन शॉर्ट्स है, आप सिर्फ 60 वर्ड्स में जो भी आपका प्रेफरेंस हो उसके अकॉर्डिंग आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको समरी मिल जाएगी न्यूज़ की, आप डिटेल में तो पढ़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन क्विकली आप अगर चाहते हो कुछ मिनट यहाँ पूरे देश की खबरें पढ़ लें या जिस भी कंट्री पढ़ना चाहते हो सभी के यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसके अलावा गाइस कुछ और एप्लीकेशन मेरे पास है, जस्ट लाइक अगर आप डेली हंट पे जाते हैं तो पहले न्यूज हंट था, डेली हंट भी इंडियन एप्लीकेशन, और अगर एक और आप एप्लीकेशन देखना चाहते हो जिसमें आपको वीडियो सपोर्ट मिलता हो तो आप एक एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसका नाम है पब्लिक लोकल वीडियोस। यहाँ पे आप वीडियोस के थ्रू लोकल न्यूज देख सकते हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जिस भी शहर में जाते हैं आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जी न्यूज, आज तक ये सभी टोटली इंडियन है, इसके एप्लीकेशन आप यूज करते हैं। NDTV भी आएगा, इंडियन वो भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आने वाली है टूल्स एंड प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशन लिस्ट आउट किए, जैसे मैंने कहा फ्यूचर में आपको मैं और अपडेट करता हूँ कौन कौन से एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है एक फोन से दूसरे फोन में तो वैसे तो बहुत से पॉपुलर एप्लीकेशन है जो बैन हो चुके हैं, लेकिन रिलायंस की तरफ से अगेन एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जियो स्विच। ये एड फ्री एप्लीकेशन है, प्योर मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, आप अपने फोन से डेटा दूसरे फोन में सेंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बेस्ट एप्लीकेशन है यही अभी उसके लिए। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन भी जस्ट लाइक मैं आपको दिखा दूं, शेयर ऑल करके भी है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, शेयर ऑल आप यूज कर सकते हैं, मैंने यूज नहीं किया लेकिन शेयर ऑल भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जियो स्विच आपको रिकमेंड करूंगा। नाउ डॉक्यूमेंट स्कैनर की बात करें तो यहाँ पे भी एक और एप्लीकेशन आप ट्राई कर सकते हैं, उसका नाम है डॉक स्कैनर, अगर आप सर्च करेंगे तो इन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ये टू मेड इन एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ब्राउजर आपको यूज करना हो, वैसे तो डिफॉल्ट आप क्रोम यूज करेंगे, यूसी ब्राउजर तो ब्लॉक हो गया है, लेकिन आप अगेन दो बहुत ही अच्छे ब्राउजर ट्राई कर सकते हैं। एक नया ब्राउजर है उसका नाम है इंडियन ब्राउजर है, एक्चुअली मैं काफी गलत टाइप करता हूँ, इंडियन ब्राउजर, इसके दो वर्जन है, इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है। आई मीन ये अब आपको गूगल क्रोम जैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन आप यहाँ पे काफी कुछ कर सकते हैं, यू नो जस्ट लाइक अगर मैं देखिए ये चलता है बहुत ही आसानी से, बहुत ही फास्ट है और काफी अच्छा काम कर सकता है, तो देख सकते हैं आप इस ब्राउजर को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरा ब्राउजर चाहिए हो तो आप जियो ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं, तो हमें जियो की एप्लीकेशन आप चेक करिएगा, जियो में बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशन पड़े हैं, तो जियो ब्राउजर भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, और रिगार्डिंग फाइल मैनेजर गाइस मुझे एक्चुअली कोई मिला नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, तो मैंने काफी सर्च किया मुझे नहीं मिला, तो ऑल यू कैन डू इज जो भी फोन आप खरीदते हैं जो वहां पे डिफॉल्ट एप्लीकेशन सभी फोन में मिलता है जो भी आप लेते हैं, तो फाइल मैनेजर आपके सभी एंड्रॉइड में नेटिव होता है, तब आपने फोन लिया ऑब्वियसली आपको फाइल मैनेजर मिल गई, तो आप उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं अंटिल इस आपके लिए कोई रियली यू नो नीड ना हो कि आपको अदर ब्रांड्स पे स्विच करना पड़े। नाउ अब और मैं बताता हूँ शॉपिंग के लिए आप कौन सा एप्लीकेशन प्रेफर करें, तो इंडिया में अगर आपको यू नो ई कॉमर्स की से कुछ लेना हो तो वैसे तो फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है सॉर्ट ऑफ, तो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 77% मनी फ्लिपकार्ट जो लगी है वो वॉलमार्ट की लगी है जो कि अगेन US बेस्ड कंपनी है, तो जैसे मैंने कहा रियली अगर आपकी नीड हो तो ही आप फ्लिपकार्ट से ही, अदरवाइज आप स्नैपडील यूज कर सकते हैं, डी ट्रू इंडियन कंपनी है, स्नैपडील से आप शॉपिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर वहां ना मिले तो फ्लिपकार्ट पे ये ताकि कुछ पैसा तो आपके देश में रहे, एटलीस्ट यू नो 23% तो आपके इंडिया में तो आएगा ही, राइट। अब अगर आपको गाइस ऑनलाइन मेडिसिन परचेस करनी है तो मैं पर्सनली 1MG यूज करता हूँ, 1MG भी इंडियन कंपनी है और बहुत ही अच्छी सर्विस 1MG की ज्यादातर सिटीज में डिलीवर करते हैं। ग्रोसरी की शॉपिंग करना चाहते हैं तो तीन एप्लीकेशन जो हाईली पॉपुलर यहाँ पे है, अमेजन पेंट्री, ग्रोफर ऑन बिग बास्केट। आपको पता है अमेजन US बेस्ड कंपनी है, एंड बिटवीन बिग बास्केट एंड ग्रोफर दोनों ही इंडियन मेन कंपनी, लेकिन बिग बास्केट में चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, सो अगेन कुछ पैसा चाइना भी जाएगा, एंड ग्रोफर टोटली मेड इन इंडिया कंपनी है, यानी कि जो भी आप सामान लेते हैं वो इंडियन कंपनी के पास ही जाएगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ट्रेवल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे
अगर आपको टिकट बुक करनी है ऑब्वियसली IRCTC, अगर आप फ्लाइट ट्रेन बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, होटल भी आप IRCTC से बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कैब सर्विस यूज करनी है तो आप ओला यूज कर सकते हैं, ओला इंडियन कंपनी है, उबर इंडियन कंपनी नहीं है, आप ओला यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू आप कैब बुक कर सकते हैं। ओके, रेड बस भी इंडियन कंपनी है, अगर आप बसेस बुक करते हैं, साउथ में भी बहुत ज्यादा चलता है, यहाँ तो नहीं चलता लेकिन साउथ में चलता है। और टिकट की न्यूज देखना चाहते हैं तो आप क्रिक बस यूज कर सकते हैं, क्रिक बस यहाँ पे, ये भी ट्रू इंडियन कंपनी है, क्रिक बस में भी आप न्यूज पढ़ सकते हैं। ओके, ये रहा क्रिक बस। फूड ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप स्विगी यूज किया करिए, जोमेटो मत यूज किया करिए, क्योंकि स्विगी प्योर इंडियन कंपनी है जिसमें कोई भी विदेशी मुद्रा नहीं लगी, किसी भी फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप स्विगी प्रिफर किया करिए। एंड एट द लास्ट गाइस, अगर आप नेविगेशन ऐप यूज करना चाहते हैं, आपको गूगल मैप नहीं पसंद है, तो आप मैप माई इंडिया यूज कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल तो किया लेकिन मैं आपको लोकेशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप मेरा करंट लोकेशन देख लेंगे, तो मैप माई इंडिया आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने कहा कि चॉइसेस तो बहुत है लेकिन रियली टफ होता है जो अच्छे पॉपुलर एप्लीकेशन हो, तो मैप माई इंडिया भी बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आपको लगता है कोई और अच्छा इंडियन एप्लीकेशन है जो और यूजर्स को ट्राई करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस वीडियो को देखने का। नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।